रेज योर फ्रिक्वेंसी फॉर अपकमिंग रियूनियन टाइमलाइन। हम आप इस दुनिया की हर एक लिविंग थिंग एनर्जी से बनी हुई है। एवरी लिविंग बीइंग इज एन एनर्जेटिक क्रिएशन। यूनिवर्स में वो सब कुछ जो आप देखते हैं वो सभी एनर्जी से ऑपरेट करती है। यहाँ कुछ भी फिक्स्ड या कॉन्स्टेंट नहीं है, कुछ भी स्टैग्नेंट नहीं है। यहाँ इस यूनिवर्स में जैसे ही आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हुई। आपके फ्रिक्वेंसी के चेंज होते ही आपके देखने का, सोचने का नज़रिया चेंज होने लगता है। यू स्टार्ट टू सी द वर्ल्ड विद डिफरेंट माइंडसेट। आप रोज़ जिन लोगों से मिलते हैं, जो खाना खाते हैं, जो भी सिचुएशन को डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उन सब के एनर्जी का आप पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आज के वीडियो में जानेंगे अपकमिंग रियूनियन टाइमलाइन में आप अपनी एनर्जी को कैसे, अपनी एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी को कैसे हाई करके रख सकते हैं, कैसे हाई करते हैं आप, ताकि आप इस रियूनियन टाइमलाइन में आप आ सकें और आपका रियूनियन हो पाए। मैं रूपाली आपके अपने एसेंशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मतलब आप डे टू डे लाइफ में जिस भी सिचुएशन से गो थ्रू होते हैं, इसका सीधा सा असर आप पे पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी भी आउटर या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आप पर इफ़ेक्ट करता है। आप जिन लोगों से मिलते हैं और क्या सिचुएशन है आपकी डे टू डे लाइफ में, लाइफ की, इस बात का आप पर सीधा सा अगर असर पड़ता है, इसका मतलब ये है कि आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आप पर इफ़ेक्ट ज़्यादा कर रहा है। इस बात को ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते, और या फिर आपकी एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी उन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से हाई होगी या लो होगी। क्योंकि जैसे जैसे आप जिन जिन लोगों से मिलते जाते हैं, या जॉब प्लेस में हो, वर्क एरिया में हो, कॉलेज में हो, या नेबरहुड एरिया में हो, या घर में, तो अगर वो उन लोगों के एनर्जी से, एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी से आपकी एनर्जी हाई या लो होती जाती है, मतलब आप आउटर जो रियलिटी है उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी इमोशंस पर आपका नहीं, आउटर वर्ल्ड का, दूसरे लोगों का इफ़ेक्ट ज़्यादा है। जब आप कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल फैक्टर्स पर फोकस्ड, मतलब आपको आउटर एटमॉस्फेयर कंट्रोल करता रहेगा, तो आपकी रियलिटी ही बन जाएगी कि अगर आपके आसपास अगर हाई वाइब्रेशनल लोग हैं तो आप हाई, या अगर आपके सिचुएशंस अगर आपके जैसा, आपने जैसा चाहा वैसा अगर लाइफ सिचुएशन है तो आप हाई, नहीं तो आप लो में आ जाते हैं। अगर आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से ज़्यादा कंट्रोल्ड हो रहे हो तो आपकी जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस लेवल आपकी हाई वाइब्रेशन में सस्टेन नहीं कर पाएगी। आपके इनर हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना होगा। व्हेन यू चूज टू एलिवेट योर फ्रिक्वेंसी यू बिकम स्पिरिचुअल कॉन्शियस। जो बाहर दुनिया में हो रहा है उसका इफेक्ट आप पर अगर ज़्यादा हुआ, देखिए थोड़ा बहुत इफेक्ट सब पे होता है, हम सब पे, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है, मतलब आउटर रियलिटी जो बाहर की दुनिया में इफ़ेक्ट अगर आप पर ज़्यादा हो रहा है, तो आपका जो इनर वर्ल्ड है वो आपको, आपकी जो इनर वर्ल्ड की जो रियलिटी है, जो असली में जो यही सच है, जो आप इनर वर्ल्ड में, जो आप अंदर से हैं वही सच है, वो आपको आउटर रियलिटी को आप सच मानते हुए आपकी जो इनर ब्यूटी, इनर वर्ल्ड है उसको आप एक धोखा या झूठ मानने लगते हैं। तो इनर वर्ल्ड को टैक्टफुली आप संभाल नहीं पाएंगे। ऐसे में आपको इमोशनल बैलेंस करना सीखना होगा, इमोशनल न्यूट्रलिटी को अपनाना होगा। कैसे? ताकि आपकी जो आउटर वर्ल्ड है ना, जो आउटर जो सिचुएशन है आपके, उसमें आपका, आप इफेक्टेड उसमें, उससे आप कम इफेक्टेड हों। मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम इनर न्यूट्रलाइज अपनाने से और टैक्टफुली इमोशनल बैलेंस को हैंडल करने से आपकी जो इनर वर्ल्ड है, आपकी अंदर की दुनिया, वो बिल्कुल एकदम लेवल पे आ जाएगी। और जैसे ही
लेबल पे आ जाएगी, तो आपकी जो बाहरी दुनिया है, मतलब बाहरी वर्ल्ड, आउटर रियलिटी, जो बाहर के लोग हैं, जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स, जॉब प्लेस, वर्क प्लेस, वो आपके इनर वर्ल्ड को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये करेंगे कैसे? दिस इज अ लेबल ऑफ अवेयरनेस। इस स्टेज में आप विक्टिम कार्ड खेलना नहीं चाहेंगे। जैसे जैसे आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि जो भी आपके बाहर हो रहा है, बाहर के दुनिया में हो रहा है, तो वो एक एक ओरिजिनलिटी उसमें कुछ भी नहीं। वो आज होगा, कल कुछ और चीज़ें होंगी, कुछ और सिचुएशन सामने आएगा, तो इसमें सस्टेन आप कैसे करेंगे? सस्टेन आप नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने इनर बैलेंस को आप मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। और जब जो कोई भी इस दुनिया में, जो किसी, जब किसी ने, किसी इंसान ने ये चीज़ सीख लिया कि हाउ टू मेंटेन द इनर इक्विलिब्रियम, तो इस स्टेज में जैसे ही आप आ जाते हैं कि इनर बैलेंस, मतलब आपका, आपको इनर वर्ल्ड अब आपके कंट्रोल में है, आउटर वर्ल्ड से आपकी इनर वर्ल्ड अब इफेक्टेड नहीं है। जैसे ही इस स्टेज में आप आ जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना फिर बंद कर देते हैं। विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहेंगे अब आप। आपके साथ किसी ने बुरा अगर किया भी हो, अगर नेगेटिव है भी कोई पर्सन, तो उनसे ये आप समझ लेंगे कि ठीक है, वो उनका और आपका कहीं ना कहीं कोई कर्मा था, किसी ने बुरा नहीं किया आपके साथ, और ना आप नेगेटिविटी से ऑपरेट तब करेंगे, क्योंकि आप एक बैलेंस सिचुएशन में आ जाते हैं। यू आर नो मोर स्टक इन एनी टॉक्सिक पैटर्न और सिचुएशन। आपका कोई पास्ट ट्रॉमा, या आप अगर किसी ऐसे फैमिली में हैं जहां आपको डे टू डे लाइफ में लीड करना डिफ़िकल्ट होता है, डे टू डे लाइफ में लीड, जो भी आप ज़िंदगी जीना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, इस वजह से अगर आप ब्लेम गेम को चूज़ करते हैं, अगर आप ब्लेम गेम चूज़ करते हैं, तो ऐसे में आप कभी कुछ भी चेंज नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप करेंगे कैसे? इनर वर्ल्ड से ऑपरेट कैसे हुआ जा सकता है? आउटर वर्ल्ड को साइड में करके इनर वर्ल्ड से आप ऑपरेट कैसे हो सकेंगे? जब आप विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें, ब्लेम गेम करना, ब्लेम गेम को चूज़ बिल्कुल भी नहीं करें। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, उनकी वजह से आपका ये हाल है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब आप ब्लेम गेम को चूज़ जब नहीं करेंगे, तो ऐसे में रियलिटी आपकी चेंज होने लगेगी। यहाँ आपको सोचना होगा कि ऐसा क्या है जो सिमिलर टाइप के सिचुएशन को बार बार मैनिफेस्ट आप करते जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ईश्वर आपको दुखी देखकर बहुत खुश होते होंगे, आप चेक करें कहाँ पास्ट में आपसे कुछ गलती हुई हो। पास्ट मीन्स आपके चाइल्डहुड डेज या एडोलिसन पीरियड में चेक कीजिए कि कहाँ कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, या फिर क्या आप खुद को वर्थलेस, हेल्पलेस फील करते हैं, या जिंदगी के जो लेसन उनसे आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब तक आपसे नहीं सीखेंगे तब तक सिमिलर टाइप के लाइफ सिचुएशंस आपको दिए जाएंगे। जब तक कोई बच्चा किसी क्लास में डिजायरिंग रिजल्ट नहीं ला पाता, उसे उसी क्लास में सस्टेन किया जाता है फिर से पढ़ने के लिए। तो ट्विन फ्लेम जर्नी सोल ग्रोथ की जर्नी है। जब आप लो से हाई फ्रिक्वेंसी में सस्टेन करने लगते हैं, तभी रियूनियन होता है। इफ़ यू आर सप्लाइंग योर सेल्फ विथ लो फ्रिक्वेंसी थॉट्स, जैसे आपके साथ अच्छा नहीं होता, आप वर्थलेस हैं, आप कुछ नहीं आपका अब हो सकता, तब आप डिफिकल्ट सिचुएशन, टॉक्सिक पैटर्न में फिर से आते जाते रहेंगे। वहीं आपने अपने बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट करना स्टार्ट किया, देन यू ऑटोमेटिक फील चेंज इन योर पर्सनल फ्रिक्वेंसी। आपको रोज बोलना है हैप्पी अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस रोज बोलना होगा। क्या? आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम फिल्ड विद जॉय एंड अब्यूंडेंट, आई एम एक्सपीरियंसिंग द स्पिरिचुअल जर्नी, आई एम फुल ऑफ सेल्फ वर्थ। आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आप जो भी लैंग्वेज आपका हो, मदर टंग, आप इसमें भी बोल सकते हैं। अगर अभी भी आप ये सोचते रहे कि आपके साथ ही क्यों, अगर अभी भी आप लोगों को ब्लेम करते रहे, अगर अभी भी आपने लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशन से कुछ सीखना नहीं चाहा, तो अभी भी आप लो कॉन्शियसनेस में रह जाएंगे। इसलिए कुछ
ट्विन फ्लेम रीयूनियन टाइमलाइन को समझ ही नहीं पाते और उसी लो फ्रिक्वेंसी में बहुत टाइम से रहने लगते हैं, जिससे डिले होती है जर्नी। ऐसे में आपको लगने लगेगा यूनिवर्स आपके अगेंस्ट हैं, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। यूनियन टाइमलाइन सबके लिए ओपन होता है, पर वही ट्विन फ्लेम उसे जंप कर पाते हैं जो इस रियलिटी को समझ ले कि उसे माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करना है, सोल को प्रायोरिटी में रखना है। सोल को इग्नोर करके बॉडी एंड माइंड को इम्पोर्टेंस देने से कभी भी बात नहीं बनेगी। माई बिलव्ड ट्विन फ्लेम, इन योर एवरी लाइफ सिचुएशन देर इज अ लेसन, देर इज अ कॉज एंड देर इज अ टीचर जो आपको सिखाता है, लेसन लर्न कराता है। तो यहाँ कुछ भी बिना किसी रीज़न के नहीं होता, चाहे आपकी लाइफ सिचुएशन जो भी हो, चाहे आपके साथ जो कुछ भी हुआ हो, वो बिना रीज़न नहीं हुआ। जैसे ही आपने लेसन लर्न कर लिया, आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होना शुरू करती है, क्योंकि लेसन लर्न, जब तक वो बच्चा, कोई बच्चा जो आज मान लीजिए कि एग्जाम्पल क्लास सिक्स में है, अगर वो क्लास सिक्स के लेसन को लर्न नहीं किया, उसे क्लास सेवन्थ में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ही और शी हैज़ टू स्टडी, री स्टडी ऑन क्लास सिक्स ओनली, राइट? तो ठीक इसी तरह से अगर आपने अपने लाइफ के लेसन, जो भी आपको सिखाना चाह रही है ज़िंदगी, उससे अगर आपने लेसन नहीं लर्न किया या लेसन नहीं लर्न करना चाहते, सिंपली विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ब्लेम गेम करेंगे, ऐसे कभी भी आपकी हाई कॉन्शियसनेस हाई से हायर कभी नहीं हो सकती। और अगर कभी कभार हाई से हायर हो भी गई ऐसे वीडियोस को सुनते हुए, उसके बाद जैसे ही एक दो दिन हुआ फिर से लो हो जाते हैं। इसीलिए आपको करना क्या है, आपको लेसन लर्न करना होगा, सीखना होगा। क्या लेसन देना चाहती है आपके लिए, क्या लेसन है इस ऐसे सिचुएशन में जो आपको बार बार ऐसे सिचुएशन या ऐसी लाइफ, यू नो, जो आपकी लाइफ है उसी टाइप की लाइफ को आप क्यों इस तरह से बार बार मैनिफेस्ट करते रहते हैं, या ऐसे ही टाइप के लोग आपके साथ क्यों जुड़ते हैं। तो अपने सोल को नरिश करें, यहाँ पे इट्स अ सोल अवेकनिंग जर्नी, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी नॉट एट ऑल अ कन्वेंशनल टाइप ऑफ लव अफेयर, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से प्यार हुआ और उसके बाद डेट शेट हुई और कल यू नो बारात और बैंड बाजा निकल गया। ऐसा यहाँ पे आपको अपने आप को पूरी तरह से चेंज करने के बाद ही बैंड बाजा की पॉसिबिलिटी होती है। आपके लिए जो बेस्ट फूड है उसे खाएं। कैसे चेंज करेंगे, अपने आप को कैसे हायर कॉन्शियसनेस में ले आएंगे, कैसे रीयूनियन टाइमलाइन के लिए, जो अपकमिंग रीयूनियन टाइमलाइन है, उसमें आप अपने आप को कैसे उस टाइमलाइन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके लिए जो बेस्ट फूड है उसे खाएं, एंड ओनली न्यूट्रिशनल फूड्स आर बेस्ट फॉर यू। वो काम करें जिससे आपके सोल की एक्सेप्टेंस हो, वो बात करें, वो बात सुने जिसे बोलकर और सुनकर आपकी सोल झूमने लगे। यू ट्रूली फील अलाइव। आपकी सोल आपको बता देगी कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या हैं और आप क्या बन गए हैं, आप क्या बेसिकली थे जब इस दुनिया में आने से पहले एक प्योरेस्ट फॉर्म में थे, और देखिए आज आप क्या बन गए हैं। तो ठीक इसी तरह से जैसे ही अब आप इस वीडियो को जैसे ही सुन रहे हैं और अपने ऊपर काम स्टार्ट किया आपने, बस इमीडिएट आपने अपने सोल को साफ करना शुरू किया। डस्ट, डर्ट, जो भी सोल के, आपके सोल के ऊपर चढ़ी हुई है, उसको आप वाइप, यू नो, ब्रश अप करना शुरू किया। उसके बाद आपकी सोल बनती है प्योरेस्ट फॉर्म में। सो प्लीज़ एलिवेट योरसेल्फ टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर्स, ओके, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द अपकमिंग रीयूनियन टाइमलाइन। ठीक इसी तरह से जो टिप्स अभी मैंने आपको बताया, वो टिप्स आप फॉलो करके आप नेक्स्ट रीयूनियन टाइमलाइन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले कन्फर्म, आप अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कन्फर्म नहीं है, कन्फर्मेशन, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्टिंग में, जब तक आप इस जर्नी को समझ नहीं पा रहे हैं, स्टार्टिंग में इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड पेनफुल। इसको नेविगेट करने के लिए सबसे पहला काम आपको इनर वर्क करना ही होगा, और सेकंड जो है उसमें आपको करना है ट्रस्ट, सरेंडर एंड पेशेंस। तो ये तीन चाबियां हैं
यूज़ करिए और अपनी जर्नी को कंप्लीट करिए। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक बटन को भी, आप बेल आइकॉन को भी आपने प्रेस कर दिया होगा, हिट कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप भी अपने रियूनियन अचीव कर सकते हैं, बस इस जर्नी को नेविगेट करने का हौसला और फैसला आपके हाथ में है, ठीक है। बिकॉज यू आर, ज़्यादातर यहाँ पे जो वीडियो सुनते हैं वो डिवाइन फेमिनिन ही होती हैं, एंड यू आर द टीचर ट्विन। ऑल द डिवाइन फेमिनिन्स आर द एक्टिव ट्विन, सो डिवाइन मैस्कुलिन को अभी साइड में रखें और अपना इनर वर्क शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़िए और इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आगे आएँ। Thank you very much for listening to me. Om Namah Shivaya.